हेलो डियर, तो यहाँ पे लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए GNM फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के, जिसमें फर्स्ट एड, पर्सनल हाइजीन वगैरह, मतलब फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का प्रश्न लेकर आ चुके हैं। आप लोग देखिएगा, समझिएगा कैसा प्रश्न पूछा है, सॉल्यूशन देंगे और आप लोग इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे अगर आपका एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम, तो आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। देखिएगा आपसे कितना बन रहा है, नहीं बन रहा है, ओके। तो चलिए, MPNRC देख सकते हैं, मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल के द्वारा सप्लीमेंट्री एग्जाम अभी चल रहा है। तो वही पेपर मेरे पास, यह तीसरा पेपर आ चुका है। इससे पहले दोनों पेपर का मैं जो है सॉल्यूशन दे चुका हूँ, ठीक है। देखिए 15 नंबर में क्या प्रश्न पूछा है। पहला प्रश्न में नर्सिंग का परिभाषा लिखे, प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग एंड वातावरणीय जोखिम से बचने के लिए आवश्यक कारक क्या है, ठीक है, इस चीज़ को पूछा है। तो देखिए, क्या मैं आपको नहीं पढ़ाया हूँ? बिल्कुल पढ़ाया हूँ, सब चीज़ पढ़ाया हूँ। तो आप इन चीज़ों को लिखना था, 15 नंबर। दूसरा है व्यक्तिगत स्वच्छता, मतलब पर्सनल हाइजीन के बारे में पूछ रहा है, बुखार के विभिन्न प्रकार। और यहाँ पर एक बदलाव किया क्या है कि जो पहले आपका 5 रूल्स था ना, दवाई देने के जो 5 रूल्स था, अब यहाँ पे 10 राइट्स पूछ रहा है, ठीक है। 10 राइट्स, 5 के जगह पर अब 10 पूछ रहा है। बातें को ध्यान में देखिएगा, तो हो सकता है आपके मेन एग्जाम में ये पूछेगा, ओके। आगे है, आगे आपका है बेड शोर क्या है, इसके चिन्ह, लक्षण, कारण सब बताना है, 7 नंबर। और 8 नंबर में फ्रैक्चर के बारे में पूछा है, जो कि कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ाया है, ठीक है, कॉमन वाले में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों वाले में। अब यहाँ पे प्रश्न क्या है, अब यहाँ पे 15, 30, 45 नंबर वहाँ पे हो गया, 3 प्रश्न था, 45 नंबर। अब यहाँ पे 5 नंबर का है ऑब्जेक्टिव्स है। देखिए कितना आसान ऑब्जेक्टिव पूछा है। कहता है सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह से नष्ट करने को डैश कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का 2 तरीका है, या तो डिसइन्फेक्ट कीजिए या फिर स्टरिलाइज कीजिए। तो डिसइन्फेक्ट पूरी तरीका से जो है नष्ट नहीं करता है, लेकिन एस्टरलाइजेशन जो होता है, जो एस्टरलाइजेशन होता है, कीटाणुनाशन, वह पूर्ण तरीका से नष्ट कर देता है। तो इसमें क्या होगा, एस्टरलाइजेशन, ओके। दर्द को दूर करने के लिए जो दवा प्रयोग की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनाल्जेसी कहते हैं, दर्द रोधी, पता है ना। यहाँ पे पूछा है बिस्तरी घाव का दूसरा नाम क्या होता है, आपको पता है बिस्तरी घो जो है हम लोग प्रेशर सोर कहते हैं, डेक्यूबिटस अल्सर कहते हैं, ठीक है ना, सब पढ़ा चुके हैं, डेक्यूबिटस अल्सर भी जो है हम इसे कहते हैं, चीज़ें को ध्यान में रखिएगा, ओके। नर्सिंग दिवस किस दिन मनाया जाता है, आप लोगों को पता होगा, 12 मई, ठीक है, ये सब पढ़ा चुके हैं। उसके बाद है एनीमा देने के लिए कौन सा पोजीशन का प्रयोग करते हैं, तो एनीमा आपको कई बार पढ़ा चुके हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ठीक है ना, लेफ्ट लेटरल यानी बाएँ करवट जो है इस्तेमाल किया जाता है पोजीशन एनीमा देने में। तो ये 5 नंबर बहुत आसान था, समझ गए चीज़ों को, आगे चलिए। अब यहाँ पे ये पूछा है, देख लीजिए, मैचिंग है। कहता है नर्सिंग प्रक्रिया यानी नर्सिंग प्रोसेस किससे मैच करेगा, 5 नंबर है, बड़ी आसान है। तो नर्सिंग प्रोसेस जो नर्सिंग स्टेप है, उसका एक पॉइंट आपका नर्सिंग असेसमेंट है, नर्सिंग आकलन, पहला पॉइंट ही नर्सिंग असेसमेंट है, ठीक है ना। तो इससे ये मैच हो जाएगा, 5 स्टेप होता है ना, उसमें से एक स्टेप नर्सिंग असेसमेंट है। प्राइमरी हेल्थ केयर, आपको पता है प्राइमरी हेल्थ केयर में हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है, इसका घटक है, तो वो हो जाएगा। क्रॉनिक डिजीज जो कि एक लॉन्ग टर्म की डिजीज होती है, आप लोग को पता है। इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण, अब आपको पता होगा कि फिजिकल एग्जामिनेशन का एक विधि, 5 टाइप्स है, उसमें से एक टाइप्स आपका इंस्पेक्शन भी है, ठीक है, तो इससे मैच कर जाएगा। जो बॉडी एनर्जी होता है, कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज़्यादा मिलता है, तो ये हो जाएगा। कितना आसान था, 5 नंबर, ठीक है। चलिए अब आता है यहाँ पे आपका ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स भी उतना ही आसान है जितना आसान ऊपर दोनों था। प्रोटोस्कोप कान की जांच के लिए प्रयोग की जाती है, बताइए मैंने कितना बार पढ़ाया कि मलाशय के जाँच के लिए प्रोटोस्कोप का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, तो कान के जाँच के लिए कहाँ से आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। कहता है एपिस्टेक्सिस मसूरों से खून निकलने को कहते हैं, आप खुद बताइए कई बार हो चुका है फर्स्ट सेकेंड दोनों में कि नाक से नकसीर होने पर नाक से खून आने को एपिस्टेक्सिस कहते हैं, तो मसूरों के खून आने का सवाल कहाँ आता है, तो ये भी गलत, दूसरा भी गलत। तीसरा है घर्षण को कम करने के लिए ट्यूब्स और कैथेटर में चिकनाई लगाते हैं,
तो ये बातें बिल्कुल सही है, हम चिकनाई जो है लगाते हैं, ठीक है। मूत्र में रक्त आने को ओलिगुरिया कहते हैं, बताइए ओलिगुरिया क्या मूत्र में रक्त आने को कहते हैं, वो तो हेमेचुरिया होता है, तो ये यहाँ पे अपन गलत हो जाएगा। सांस लेने में कठिनाई को डिस्फेजिया कहते हैं, जबकि गलत है। डिस्फेजिया किसे कहते हैं, निगलने में स्वालोइंगी डिफ़िकल्ट होता है, निगलने में उसे डिस्फेजिया कहते हैं, तो ये अपना जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी मात्र एक सही है, बाकी आपका जो है सब के सब जो है गलत है, ए वाला सही है, बाकी सब के सब अपना गलत है, ओके। अब आता है यहाँ पे आखिरी प्रश्न है, प्रश्न 15 नंबर का है, तीन नंबर का जवाब देना है, 5 नंबर का एक है, आपको यहाँ पे 4 में से कोई 3 देना है। देखिए, जरिया है नर्सिंग केयर ऑफ इल्डरली पेशेंट, पढ़ा चुके हैं। टाइप ऑफ बायोमेडिकल बेस्ड, पढ़ा चुके हैं कुछ दिन पहले ही। डिफरेंट मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, पढ़ा चुके हैं। क्वालिटी ऑफ ए गुड नर्स, ये भी पढ़ा चुके हैं। तो चारों क्वेश्चन पढ़ा दिए थे, कोई 3 जो आपको सबसे अच्छा आता था उसको जवाब दे देना था, 15 नंबर मिल जाता। तो यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो MP NRC में पूछा गया है, बिल्कुल आसान पूछा गया है, बिल्कुल। आप चाहें तो मैं 100 में 100 पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आप अपने क्षमता के हिसाब से जितना लाइएगा बढ़िया है, लेकिन मैंने यहाँ पे सारा चीज़ पढ़ा दिया था। आप कमेंट करके खुद बता सकते हैं कि हाँ क्या सत्य है नहीं बात। उसके बाद चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ऐसे ही और भी सारे वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद।